ओके ग्रेट तो लास्ट क्लास में हमने किया था वेरियस किधर गया जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स ठीक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बाद आज हमारा मेजर टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले अगर मैं आपके लिए कंप्यूटर का एक डायग्राम बना पाऊँ इधर सो वॉट विल इज विल मेक अ डायग्राम हियर सो दैट दैट इज़ मोर इजीली अंडरस्टूड बाई यू Okay. No. <laughs> so, अब सबसे पहले अगर कंप्यूटर का बेसिकली बात वी हैव अ मॉनिटर यस मॉनिटर के बाद वी विल हैव अ कीबोर्ड हमारे पास एक कीबोर्ड होता है कीबोर्ड के बाद सीपीयू होता है और कल ही मैंने बताया था सीपीयू के थ्री एलिमेंट्स होते हैं ठीक है ठीके? तो रिया एंड अहमद कैन यू प्लीज टेल मी द पार्ट्स ऑफ द सी पी यू इन द चैट क्या आप चैट में बता सकते हैं कि सीपी यू के कौन से कौन से पार्ट्स होते हैं दैट वुड बी रियली हेल्पफुल ठीक है जब तक आप लोग बताते हो मैं आगे बताती हूँ सीपी यू के बाद वी ऑल्सो हैव अ माउस करेक्ट एंड माउस पैड अगर आपके आप टीवी सॉरी अपने कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे मूवीज देखना चाहते हैं या कुछ भी देखना चाहते हैं देन यू ऑल्सो हैव स्पीकर्स ताकि आवाज़ आ जाए वैसे लैपटॉप में इनबिल्ड स्पीकर्स होते हैं देन अगर आप कंप्यूटर का एक्सटेंसिव यूज़ करते हो यू कैन ऑल्सो हैव अ प्रिंटर एंड अ स्कैनर जो हेल्प करता है टू प्रिंट ठीक है तो ये सब क्या है दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स मेजर पार्ट्स ठीक है ये इट इज़ कंट्रोल यूनिट अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट वेरी गुड ठीक है अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे बट ये बच्चों वाले पार्ट नहीं ये तो हम लोग टेंथ स्टैंडर्ड में भी पढ़ते थे कि एवरी कंप्यूटर हैज़ दिस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक द स्क्रीन द माउस कीबोर्ड माइक ये सब हम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ठीक है तो आज हम बात करेंगे अबाउट मदरबोर्ड सी पी यू देन रैम ग्राफिक कार्ड एंड स्टोरेज ये पांचों ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता हो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड मदरबोर्ड बेसिकली एक ग्रीन कलर का एंटायर स्लिट बोर्ड होता है बहुत लंबा बोर्ड होता है जो सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो वट इज़ अ मदर बोर्ड मदर बोर्ड इज अ ग्रीन कलर बोर्ड विच हेल्प्स ऑल द यू कैन से डिवाइज टू कनेक्ट टूगेदर ओके तो मदर बोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है और मदर बोर्ड का एक पार्ट एक पार्ट बन जाता है यहाँ पर सी पी यू दैट इज प्रोसेसर कल याद है हमने जनरे अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रोसेसर यूज किए थे यू रिमेंबर लाइक फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज किया था um, क्या यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है तो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं यस करेक्ट तो ये वो प्रोसेसर है ये कहाँ डलता है माइक मदरबोर्ड uh, के अंदर ठीक है और इवन ये जो आप देख रहे हो ना दिस वन दिस इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका क्या काम है वो भी मैं बताती हूँ सो so, ये जो आप बड़ा ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे हो ना दिस एंटायर ग्रीन कलर बोर्ड इज कॉल्ड अ मदर बोर्ड मदर बोर्ड क्या करता है मदर बोर्ड बेसिकली कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहा है जितना भी डेटा हो रहा है उसका आ, यू कैन से ट्रांसफ़र करना उसको एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना कम्युनिकेट करना वो हम किससे करते हैं मदर बोर्ड से करते हैं मदर बोर्ड में ही इंस्टॉल होता है हमारा प्रोसेसर जो आज के टाइम में फोर्थ जनरेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर लाइक आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा इंटिल का प्रोसेसर आता है दैट एंड इसी में आपका रैम भी जुड़ता है और बहुत सारी चीजें इसी में जुड़ जाती हैं ठीक है सो वॉट इज अ मदर बोर्ड ऑल कॉम्पोनेंस ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट थ्रू अ सर्किट बोर्ड अ ग्रीन सर्किट बोर्ड दैट इज कॉल्ड अ मदर बोर्ड थिंक ऑफ मदर बोर्ड एज अ ग्लू दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर तो मदर बोर्ड क्या है मदर बोर्ड वो यू कैन से ग्लू है या वो फेविकॉल है जो सारी चीजों को एक साथ जोड़ने में मदद करती है क्लियर इसमें कोई डाउट मदर बोर्ड पता चला मदरबोर्ड एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है ये आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में हर जगह होता है चिप बोर्ड क्लियर बोर्ड जिसके अंदर वी हैव रैम एंड एवरीथिंग अटैच्ड ओके एंड मदर बोर्ड के थ्रू ही सारी चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकती हैं एनी डाउट्स इन दिस मदर बोर्ड पता चला अहमद एंड रिया ओके चलो अब इसके आगे चलते हैं मदरबोर्ड का ही एक पार्ट है सी पी यू दैट इज द प्रोसेसर जैसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और आप जितनी बार रिपीट करोगे ना उतनी बार आपको याद हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स फोर्थ जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी भी चल रहा है ठीक है अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू को हम ब्रेन का दर्जा देते हैं कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना वो कौन सा होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थैंक्स टू इट्स डायरेक्ट प्लग इन कनेक्शन हाई अंकित गेमिंग ऑन यूट्यूब डायरेक्ट प्लग इन कनेक्शन टू द मदरबोर्ड एंड कम्युनिकेशन विथ ऑल ऑफ़ द कंप्यूटर्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो क्या करता है वो ब्रेन है यही सारा थिंकिंग तो बेसिकली नहीं बट सारे जितने भी काम करने हैं जितने भी डायरेक्शंस को फॉलो करना है वो सब कौन करता है वो सब प्रोसेसर करता है ठीक है और अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रोसेसर्स हुआ करते थे ये क्या करता है जब भी आप कोई कोड लिखते हो कोई यू कैन से काम देते हो कंप्यूटर को ठीक है कोई भी डायरेक्शन देते हो तो उसको फॉलो करना ठीक है और वो जितनी भी डायरेक्शंस आप देते हो उसको एग्जीक्यूट करना उसको समझना ये काम किसका है प्रोसेसर का है या सीपीयू का है अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर आ। ये मैंने एक नया एक्सेल वर्कबुक खोला है एक नया एक्सेल वर्कबुक खुला है ठीक है अब सपोज इस एक्सेल वर्कबुक में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ वन टू फाइव एट नाइन सिक्सटीन फिफ्टी फोर ट्वेंटी टू फिफ्टी फाइव ठीक है अब मैं क्या चाहती हूँ इन सब का टोटल नीचे यहाँ पर आ जाए इन द टवेल्थ कॉलम द ऑल द नंबर्स उसका जितना भी टोटल होगा वो यहाँ पर इन द ट्वेल्थ रो आ जाए ठीक है तो मैं क्या कर सकती हूं मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं लाइक इज इक्वल्स टू सम एंड देन ब्रैकेट फर्स्ट वाले से लेके ओके okay. ठीक है तो यहां पर देखो टू वन टू इज द सम ऑफ फर्स्ट टू इलेवन अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो यहां पर टू वन टू आएगा यस सिंपल टोटल फार्मूला तो अब एक बात सोचो जो मैंने फॉर्मूला लगाया है तो कंप्यूटर का को कोई तो हिस्सा होगा जो इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर रहा है करेक्ट कोई तो हिस्सा होगा ना जो एग्जीक्यूट कर रहा है इसको सही से एग्जीक्यूट कर रहा है यहां पर टू वन टू की जगह टू वन वन भी तो आ सकता था बट कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर द यू कैन से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सी इसी में होता है हमारा मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट तो सीपी यू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो ये जो हमने सिंपल एक एग्जाम्पल देखा इसमें मेन रोल किसका था प्रोसेसर का था अगर प्रोसेसर ही नहीं चलता देन दिस कुड नॉट टेक प्लेस सिंपल सो सी पी यू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सी पी यू डज ऑल द एग्जीक्यूशन ऑल द इंस्ट्रक्शन सी पी यू ट्राइज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग And then fetches, decodes, executes this instructions. Done? Is so much, CPU. If you have a bolo, you can't tell Riya? Ria Emad? Yes? Okay, great. चलो हम पे चलते हैं अब ध्यान से तो सुनना. ROM होता है, questions है? ठीक इसके ना हर बार आए लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट के तीन साल है ना उसमें तो हर बार आए ठीक है रॉम क्या होता है रैम क्या होता है कैश मेमोरी क्या होती है रजिस्टर मेमोरी क्या होती है प्राइमरी मेमोरी क्या होती है सेकेंड मेमोरी क्या होती है ठीक है ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे आज हम एक मेन बात करते हैं रैम और रोम बिकॉज इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ठीक है अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली सीपीयू की तो रैम इज अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड मैंने बोला नहीं था कि मदर एक ऐसा बड़ा बोर्ड होता है जिसमें से सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली होती हैं ठीक है ठीके? सारी चीज़ें उसी में होती हैं तो इसमें जैसे यहां पर हमारा प्रोसेसर है तो यहां पर दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रैम आप रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हो जैसे चार जी बी रैम की जगह आप आठ जी बी रैम ले सकते हो अब रैम बेसिकली क्या करता है रैम को हम कहते है हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी आर ए एन डी ओ एम ए डबल सी ई डबल एस मेमोरी इसमें आप जो भी डेटा डालोगे ना ठीक है जैसे ही लाइट चली गई ये डेटा गैप जैसे लाइट चली गई ये डेटा का जैसे सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अगर आप एक एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं ठीक है आप एक एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं आपने सारा डेटा भर दिया यहाँ पे भर दिया यहाँ पे भर दिया ठीक है सारा पूरा टेबल भर दिया आपने और सारा काम आपका जस्ट होने ही वाला था ठीक है और आपने बीच में कभी सेव नहीं किया ऑटोमेटिक सेव भी नहीं रखा आपने और अचानक लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया अब जितना काम आपने किया है वो सब अपने आप डिलीट हो जाएगा यस अकबर रिया क्या लगता है हो जाएगा अगर सपोज मैंने सेव नहीं किया मैं सेव करना भूल गई और ऑटोमेटिक सेव ऑन नहीं है तो डिलीट हो जाएगा करेक्ट तो इसका मतलब अभी तक उसको कौन होल्ड कर रहा था वो डेटा कोई तो होल्ड करके रख रहा था ना यस yes, कोई तो होल्ड करके कर रख रहा था तो वो कौन पर्सन है वो है रैम रैम उस डेटा को होल्ड करके रखता है रैम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस थिंग्स अब सबसे पहले रैम एक रैंडम एक्सेस मेमरी है यह तो आपको पता चल गया ओके नाउ लेट मी इरेज सर्टन स्टाफ सो दैट हमारे पास यहां पर जगह बच जाए फॉर सर्टन थिंग्स सबसे पहले याद रखना कंप्यूटर को स्टार्ट करने में रैम की रिक्वायरमेंट होती है अगर रैम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता तो कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है ना इसका एक टेक्निकल नाम है ठीक है टेक्निकल नाम क्या है इससे हम कहते हैं बूटिंग क्या कहते हैं बूटिंग सो कंप्यूटर व्हेन स्टार्ट्स इट इज कॉल्ड अ बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर का स्टार्टिंग प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बूटिंग प्रोसेस पहली बात अब बूटिंग में दो प्रकार होते हैं एक तो होते हैं कोल्ड और एक होता है वार्म कोल्ड और वार्म एम ठीक है कोल्ड मतलब ठंडा जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हो ना लाइक पूरे दिन में छे घंटे के गैप में दस घंटे के गैप में जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो सपोज पूरे दिन में पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो उससे हम क्या कहते हैं कोल्ड बूटिंग उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कोल्ड बूटिंग इसके मैच द फॉलिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आपको याद भी रखनी चाहिए देन वार्म बूटिंग अगर आप कंप्यूटर को री करते हो ना अब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट क्यों करेंगे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कंप्यूटर हैंग हो गया हो कंप्यूटर चल ना रहा हो कंप्यूटर में कुछ डेटा लोड ले रहा हो कंप्यूटर का स्क्रीन फ्रोज हो गया हो कंप्यूटर लाइट जाके जस्ट वापस आ गई हो ठीक है तो इन एनी ऑफ केसेस व्हाट डू यू डू यू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर आप कंप्यूटर को इमीडिएटली स्विच ऑफ करके रिस्टार्ट करते हो जैसे अगर आप यहां पर देखो ना ओके okay. ये दिख रहा है यस वन सेकेंड ये दिख रहा है यहां पर पावर ठीक है पावर में ये रीस्टार्ट है शटडाउन है स्लीप है और साइन इन ऑप्शन है जब मैं रीस्टार्ट करूंगी ना तो पता है कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा वार्म बूटिंग कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा वार्म बूटिंग बिकॉज मैंने अब भी कंप्यूटर स्विच ऑफ किया है और उसको वापस ऑन किया है ठीक है तो ये कौन करता है ये सारे काम रैम होल्ड करता है और रैम का जितना साइज बड़ा होगा उतना ये काम फास्ट होगा मतलब अगर चार जी बी रैम है और दूसरे कंप्यूटर में आठ जी रैम है तो जो आठ जी रैम होगा वो यूजुअली फास्टर होगा इसीलिए पता है जो भी बच्चे गेम्स खेलते हैं ठीक है स्पेसिफिकली इन मोबाइल्स ठीक है तो आप क्या करते हो आप जिसका रैम ज़्यादा है वो मोबाइल लेना प्रेफर करते हो कि भाई इसका रैम ज़्यादा है तो ये कम अटकेगा और ये ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकता है एंड वी कैन ईजीली स्विच डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजीली तो अब रैम क्या करता है रैम बूटिंग प्रोसेस करेगा बूटिंग में भी कौन सा कौन सा कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग और एक और वर्ड आता है रीबूटिंग जैसे बूटिंग प्रोसेस एक वर्ड है ना वैसे ही एक और प्रोसेस है रीबूटिंग रीबूटिंग मतलब हम रीस्टार्ट कर रहे हैं क्लियर ये पता चला बूटिंग क्या होता है ठीक है बूटिंग कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग रीबूटिंग रीबूट तो रीस्टार्ट अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो भी डेटा होता है वो वॉलेटाइल होता है नाउ व्हाट इज वॉलेटाइल वॉलेटाइल मींस वैनिश हो जाता है जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिसिटी गई ये डेटा गया सो so, वॉलटाइल को आप याद रख सकते हो वर्ड वैनिश वैनिश मतलब गायब हो जाना तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी या कंप्यूटर किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो राम का डेटा क्या हो जाएगा वापस जीरो हो जाएगा ठीक है सो व्हाट इज राम राम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी राम हैज अ वॉलेटाइल मेमोरी ये कोई परमानेंट मेमोरी नहीं है टेम्पररी मेमोरी है रैम स्टार्टिंग प्रोसेस में काम आता है कोल्ड बूटिंग बॉम बूटिंग में uh, काम आता है और रीबूटिंग में भी काम आता है सेकेंड थिंग जो भी आपके ऐप्स चलते हैं उसको जो डेटा चाहिए ठीक है या डेटा होल्ड करना है तो रैम उसका डेटा होल्ड करता है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये एक्सेल फाइल है ठीक है मैंने इस एक्सेल फाइल को पूरा भर दिया ठीक है जैसे यहाँ पर कुछ uh, ये नंबर्स लगा दिए ठीक है ये सारे नंबर्स लगा दिए मैंने इस तरह से अभी यहां पर डेटा है नाउ यू हैव द एंटायर डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल बट एज सुन एज आई स्विच इट ऑफ ना एज सुन एज आई स्विच इट ऑफ ना ठीक है तो ये पूछेगा सेव या डोंट सेव अगर मैंने गलती से डोंट सेव कर दिया ना तो ये सारा डेटा क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा अब अगर मैं वही बुक ओपन करूं या वही एक्सेल ओपन करूं डू यू थिंक आई विल बी एबल टू फाइंड दैट डेटा नो आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड द डेटा क्योंकि वो गायब हो चुका है दैट इज रैम तो रैम के बारे में हम क्या जानते हैं रैम इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी वॉट इज वॉलेटाइल विच इज वैनिश जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई या जैसे वो डॉक्यूमेंट गया वो वैनिश हो जाएगा स्टोर्स डेटा रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्रोग्राम एंड प्रोसेस इट इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट्स गेट्स इरेज्ड एवरी टाइम द कंप्यूटर रीस्टार्ट रैम हेल्प्स प्रोग्रामर्स एंड गेम्स स्टार्टअप एंड क्लोज क्विकली जितने भी एप्स होते हैं जितने भी डेटा होते हैं उनको इमीडिएटली ओपन करना क्लोज करना एप्स को ओपन करना क्लोज करना जल्दी से जल्दी किसका काम होता है रैम का काम होता है रैम में किसी को कोई डाउट रैम में किसी को कोई डाउट एक सेकेंड ना पक्का ठीक है तो एक बार रीकैप ले लो छोटा सा सबसे पहले अगर मैं इसको पूरी तरह से इरेज कर पाऊं ना आपके लिए और डोंट वरी यहाँ पे जितना भी लिखा है ना मैंने जितना भी लिखा है वो सब एवरीथिंग इज मैंशन डोंट वरी मैं सब सब आपको बता दूंगी ये पी डी एफ मेंशनड है आई थिंक लास्ट में मैंने कहीं नोट डाउन किया था ये एक सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का एक स्लाइड था इसमें लेट मी वॉच इट अगर मुझे मिलता है ना तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसमें जो सारे टेक्निकल वर्ड्स है ना ये रहा ये आपको दिख रहा है एवरी वन लेटमी ओके ग्रेट ये दिख रहा है सबको यस yes? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा तो आपको दिखेगा जैसे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर ये इंपॉर्टेंट है देन यहां पर अगर आप देखोगे ना ये बूटिंग okay. प्रोसेस नहीं दिया हुआ यहां पर एक मिनट ओके okay, ये वाला यू है नहीं वो भी इंक्लूड कर चलो ठीक है ये ना, बर्निंग जिपिंग डिजिटाइजिंग रिपिंग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे और रैम में भी दो टाइप के रैम होते हैं डी रैम और एस रैम डी मीन्स डायनेमिक रैम और एस मीन स्टैटिक रैम ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आई गिव यू दिस पीडीएफ जिसमें सारा इंपॉर्टेंट की जो कभी कभी को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो वर्ड से रिलेटेड है वो हम सारे कर लेंगे ठीक है नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हमने अभी अभी तक हमने क्या किया मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ एक सेकेंड ओके okay. तो सबसे पहले हमने देखा मदरबोर्ड मदरबोर्ड क्या होता है मदरबोर्ड एक ग्रीन कलर का लंबा सर्किट बोर्ड होता है जो सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से अटैच करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है इसी पे हम प्रोसेसर्स और रैम रखते हैं ठीक है तो प्रोसेसर क्या होता है प्रोसेसर मतलब सीपीयू प्रोसेसर अपने अंदर तीन चीजें लेके चलता है दैट इज लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट और दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यही सारे जितने भी आप उसको डायरेक्शन देते हो उसको एग्जीक्यूट करना वो इंस्ट्रक्शन को सुनना अंडरस्टैंड करना और वो टास्क को परफॉर्म करना ये सारा काम कौन करता है ये सारा काम सीपीयू करता है आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो डन वन सेकेंड स्पाइडी कुड यू जस्ट म्यूट यूर सेल्फ थैंक यू सो मच ओके नाउ रैम रैम क्या होता है वॉलेटाइल मेमरी मतलब गायब हो जाता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है रैम हेल्प्स इन द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ एनी कंप्यूटर स्टार्टिंग प्रोसेस में जो मेमरी होल्ड करने का काम होता है वो कौन करता है रैम करता है पहली बात रैम uh, बूटिंग कोल्ड बूटिंग वर्म बूटिंग रीबूटिंग इन सब में रैम का काम आता है कोई भी ऐप चलाने के लिए जो बैकग्राउंड में डेटा होल्ड करके रखता है वो रैम होल्ड करके रखता है रैम जितना ज़्यादा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी इवन फ़ोन में भी यही होता है कि जितनी ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसका रैम होगा इसीलिए उसकी स्पीड है ठीक है देन वी हैव जी पी ये आजकल यूज होता है बट जी से पहले हम जाते हैं स्टोरेज ना स्टोरेज में ना uh, वी हैव इम्पॉर्टेंट थिंग एक मिनट है धीरज ऑन यूट्यूब आई एम रियली सॉरी आई डोंट नो एग्जाम कब होगा नेक्स्ट बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून में तो अगर आप जून का अटैम्प देना चाहते हैं तो प्लीज बहुत जल्दी प्रिपरेशन कीजिए बट दिस बैच कोर्स स्पेसिफिकली फॉर डिसम्बर मोविंग फॉरवर्ड अब स्टोरेज में स्टोरेज में आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगी बेटा वेर एज वेन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ना हम स्टोरेज का पूरा डिटेल करेंगे लाइक like स्टोरेज में ना हमारा पूरा ये सारी चीजें आती है ऑल दिस थिंग्स रजिस्टर मेमरी कैश मेमरी मेन मेमरी मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप एस एस डी एच डी डी ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे ये सारे एग्जाम्स में आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के थ्री ईयर्स में इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है वो कोडेड वाला क्वेश्चन हो सकता है सिक्वेंस वाला क्वेश्चन हो सकता है कोई भी क्वेश्चन हो सकता है बट इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है तो स्टोरेज का मतलब क्या है जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो इट कैन बी टेम्पररी डेटा इट कैन बी परमानेंट डेटा अब कई बार जब आपको परमानेंट डेटा स्टोर करना होता है तो आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हो कुछ डिवाइज़ यूज़ करते हो जैसे कौन से कौन से डिवाइस यूज़ करते हो बट आई फ्यू रिमेम्बर हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं करेक्ट हार्ड डिस्क के बाद हम लोग सी यूज़ करते हैं डी यूज़ करते हैं पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो ये सब क्या हो गया ये सब मेरे स्टोरेज यूनिट्स हो गए इनमें मैं अपना डेटा स्टोर करके रखती हूँ अब ये डेटा परमानेंट नेचर के होते हैं मतलब जब तक मैं डिलीट ना करूं ये डिलीट नहीं होंगे सो स्टोरेज इज़ वर्स स्टोरेज जितना भी डेटा हम सेव करना चाहते हैं हम उसको स्टोर करके रखते हैं इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस दैट कुड बी इन एच और एस हार्ड डिस्क ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव सी डी डी वी डी पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क मेमरी कार्ड्स ऑल दैट उसे हम क्या कहते हैं स्टोरेज द लास्ट टॉपिक फॉर टूडे इज जी पी यू दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस काफ़ी लोग इसे ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं तो आई थिंक बॉयज को पता होगा व्हाट इज ग्राफिक कार्ड अगर कोई यहाँ पे बता सकता है तो प्लीज़ कुड यू टेल मी व्हाट इज अ ग्राफिक कार्ड धीरज यस आई डू टीच फॉर पेपर टू राइट नाउ पेपर टू के वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे पेपर uh, टू अगर आपका कॉमर्स है ना धीरज तो मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा अपलोड कर रखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा अपलोड कर रखा है राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन विद बैंकिंग अगर आपको बैंकिंग के लेक्चर्स चाहिए ना तो आई थिंक मैंने फोर फाइव वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं तो वो आप रेगुलर देख सकते हो वो हमारे जाते हैं शाम को सात बजे ठीक है ओके एनीबडी हु नोज वट इज़ अ ग्राफिक कार्ड अहमद आपको पता है ग्राफिक कार्ड क्या है किसी को पता है धीरज आई डोंट टीच फॉर इकोनॉमिक्स एम रियली सॉरी बिकॉज इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा डिटेल आएगा इन द इकोनॉमिक्स बट आई डोंट टीच फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स आई हैव डन माई मास्टर्स इन एम कॉम दैट इज फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं नहीं पता ओके अब जब भी आप कोई गेम ओपन करते हो ना कंप्यूटर में ठीक है या स्पेसिफिकली एनी वीडियो तो पता है वो वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी का भी हो सकता है और बहुत घटिया क्वालिटी का भी हो सकता है यस तो उसमें कई बार मैटर करता है आपका इंटरनेट स्पीड एंड कई बार आल्सो मैटर्स योर ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है या कई बार अलग से अटैच होता है ये ग्राफिक कार्ड हेल्प करता है टू तो ब्रिंग गुड विजुअल्स एकदम स्टनिंग इमेजेस ब्यूटीफुल इमेजेस ब्यूटीफुल वीडियोस हाई क्वालिटी वीडियोस लाने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड बहुत मदद करता है ये दो जगह पे बहुत ज्यादा यूज होता है फर्स्ट इन गेमिंग इंडस्ट्री जिनको भी जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जिन जो गेमिंग में है जो जिनको गेमिंग का बहुत शौक है यू कैन सी दे विल हैव अ ग्राफिक कार्ड इन देयर कंप्यूटर वो ग्राफिक कार्ड लगवाएंगे ही लगवाएंगे वो फैंस के साथ आते हैं ये जो फैंस आप देख रहे हो ना ये इसके साथ आते हैं बिकॉज ग्राफिक कार्ड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सो टू रिड्यूज़ द टेम्परेचर दे ऑलवेज कम अलॉन्ग विद द फैंस वो फैंस के साथ ही आते हैं और ये जो देख रहे हो ना आप ये हम मदरबोर्ड में अटैच कर देते हैं ठीक है सो दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली अटैच टू द मददर बोर्ड एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्राफिक कार्ड फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इट इज़ यूज विद वीडियो एडिटर्स जो लोग वीडियो uh, एडिटिंग का काम करते हैं फॉर यूट्यूब इंस्टाग्राम मूवीज रील्स जो भी एकदम हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी की वीडियोज बनाना चाहते हैं ना उसको एडिट करना चाहते हैं तो उनको भी एक ग्राफिक कार्ड चाहिए अगर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा ना तो पिक्सल्स फटने लगेंगे अब पिक्सल्स कैसे फटते हैं लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल योर तो सपोज ये एक इमेज है जो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है मेरे पास इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल क्वालिटी ठीक है तो मैं इसको जूम करूंगी तो आपको ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस दिखाई दे रहे यहां पर रिया एंड uh, एहमद दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस छोटे छोटे बॉक्सेस देखो इसे हम पिक्सल्स कहते हैं ये पिक्सल्स फट रहे हैं ठीक है इसलिए आपको ऐसे बॉक्सेस दिख रहे हैं और ये सारे पिक्सल्स एक दूसरे को ओवरलैप करके पूरी इमेज बनाते हैं तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स की इमेज होती है उतनी क्लियर वो इमेज होती है बट एट द सेम टाइम अगर ये कोई मैंने फोटो डी से लिया होता या कोई हाई डेफिनेशन क्वालिटी इमेज होती मेरे पास तो उसको मैं कितना भी जूम करूँगी ना तो पिक्सल्स नहीं फटेंगे ये आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी होता है अगर आपका मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे वीडियोज़ या फोटोग्राफ्स ले सकता है ठीक है तो आप उसको कितना भी जूम करो वो एकदम क्लियरिटी दिखाएगा वेर एज इफ द क्वालिटी इज वेरी बैड देन विल फील दीज काइंड ऑफ पिक्सल्स ए पिक्सल्स फटे हुए दिखेंगे अब अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है ना तो यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको प्रॉपरली वो इमेज दिखेगी नहीं उसके पिक्सल्स फटेंगे वेर एज अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड हो ना यू कैन सी हाई डेफिनेशन गुड क्वालिटी इमेजेस वेरी गुड क्वालिटी इमेजेस लाइक आई कुड शो यू वन हीयर ऑल्सो वन सेकेंड ये मेरा ही चैनल है यूट्यूब चैनल सो लेट मी शो यू वन वीडियो जिसकी क्वालिटी शायद अच्छी हो ओके विल स्टार्ट विद दिस ओके इसका मैं ना एक तो म्यूट कर देती हूँ बट आपको क्वालिटी दिखाती हूँ सो दैट यू कम टू नो अबाउट द क्वालिटी ओके वन सेकेंड लेट मी स्किप दिस एड ओके यहां पे आप सेटिंग में देख रहे हो क्वालिटी थ्री सिक्सटी है ठीक है बट क्वालिटी कहाँ तक जा सकती है देखना एक बार क्वालिटी जा सकती है अप टू टू वन सिक्स जीरो टू वन सिक्स जीरो ठीक है तो मैं इसको एकदम साइड में कर देती हूँ ये चैट बॉक्स भी साइड में कर देती हूँ अब हम जो देख रहे हैं ना दैट इज़ इन थ्री सिक्सटी पिक्सल्स तो अगर आप देखोगे ना तो इमेज उतनी क्लियर नहीं है करेक्ट अब मैं इसको पॉज कर देती हूं और इसी वीडियो को इसी वीडियो को मैं हायर क्वालिटी में ले जाती हूं द हाइएस्ट क्वालिटी ठीक है अब आप देखना और मुझे बताना क्या कोई डिफरेंस है बिटवीन 360 सिक्सटी एंड टू अब देखो क्या आपको इमेज में डिफरेंस दिख रहा है रिया अहमद क्या पहले वाला इमेज और अभी वाला इमेज या पहले वाला वीडियो और अभी वाला वीडियो एकदम सेम है यस तो ये क्यों हो रहा है बिकॉज दिस इज अ हायर क्वालिटी इन द सेम वे इन द सेम वे अगर ग्राफिक कार्ड होता है ना ठीक है इट प्रोवाइड्स यू विद दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इसीलिए ग्राफिक कार्ड इज यूजअली यूज बाई ईदर पीपल हु आर डूइंग दिस वीडियो एडिटिंग बिजनेस ओके ज और uh, जो गेम्स खेलते हैं ठीक है सो दिस इज यूज बाई देम नाउ टू रिकैप द इंटायर सेशन कल हमने किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फटाफट क्विकली हम रिवाइज करते हैं फाइव मिनट्स में एंड फिर आई गिव यू टू मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन विल एंड द क्लास ओके तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कल हमने देखे थे फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे सेकंड में ट्रांजिस्टर्स थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर्स और फिफ्थ में माइक्रोप्रोसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी फॉर अंडरस्टैंड सेकंड जनरेशन आते आते हमने असेंबली लैंग्वेज यूज करना चालू कर दिया थर्ड में हाई लेवल फोर्थ में वेरी हाई लेवल फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते थे फट जाते थे बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत स्लो प्रोसेसिंग था सेकंड में भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स थी बट हाँ वैक्यूम ट्यूब्स नहीं थे तो क्या होता था लाइक वी डिड नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ बस्टिंग वैक्यूम ट्यूब्स बर्स नहीं होते थे ट्रांजिस्टर्स से तो दिक्कत नहीं थी यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था थर्ड जनरेशन में स्पीड भले इंक्रीज हुई थी बट साइज uh, की और कॉस्ट की प्रॉब्लम अभी भी थी फोर्थ में साइज़ कॉस्ट स्पीड सब अच्छा हो गया था स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई थी साइज़ ऑफ द कंप्यूटर आल्सो डिक्रीज इसलिए हम लैपटॉप्स लेकर आए मार्केट में एंड फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है सो दिस वॉज रिलेटेड टू येस्टेज सेशन आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा सबसे पहले सीपीयू यू वट इज सीपीयू सीपीयू इज सी पी ऑल्सो एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू इज अटैच टू द मदर बोर्ड और सीपीयू क्या करता है जितने भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को उसको समझना एग्जीक्यूट करना वो काम करना कौन करता है सीपीयू करता है देन मदर बोर्ड मदर बोर्ड एक ग्रीन कलर का चिप सर्किट बोर्ड है जो सारे डिवाइस को अपने पास uh, होल्ड करता है और सारे डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मदरबोर्ड यहीं पे अटैच होता है आपका रैम माइक्रो प्रोसेसर एंड एवरीथिंग द नेक्स्ट वन इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इस तरह का एक डिवाइस आता है आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो एक्सपैंड भी कर सकते हो ठीक है तो रैम क्या करता है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी वॉलेटाइल मतलब गायब हो जाता है जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है इसके अलावा इट हेल्प्स इन बूटिंग रीबूटिंग कोल्ड बूटिंग वॉर्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग क्या है जब आप कंप्यूटर को बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद या दिन में पहली बार स्टार्ट कर रहे हो दैट इज कोल्ड बूटिंग अगर आप कंप्यूटर को इमीडियटली रीस्टार्ट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग या रीबूटिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी के लिए काम करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एकदम वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी होता है और ये कंप्यूटर की स्पीड को भी डिटरमाइन करता है स्पेशली कि आप एप्स कितना जल्दी चला सकते हो कोई भी चीज़ कितना फास्ट वे में कर सकते हो वो रैम पे डिपेंड करता है देन आता है हमारा स्टोरेज हम जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम वी यूज स्टोरेज डिवाइसेस तो वो हो सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल लाइक हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा द लास्ट वन इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस यह हम इसे ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं पॉपुलरली दिस इज यूज फॉर ब्रिंगिंग हाई एंड विजुअल्स एकदम अच्छे विजुअल्स लाने के लिए हमें क्या चाहिए ग्राफिक कार्ड चाहिए तो ये काफ़ी सारे वीडियो गेम्स वाले बच्चे भी यूज करते हैं ये वीडियो गेम्स जो भी खेलते हैं वो करते हैं जो एडिटिंग करते हैं थ्री मॉडल्स बनाते हैं ग्राफिक्स uh, में जो काम करते हैं वीडियोज एडिटिंग में जो काम करते हैं वो यूज करते हैं और ये काफी महंगा आता है और ये काफी जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए हम इसके इसके साथ uh, पंखे आते हैं सो दैट इट कैन कूल डाउन एनी डाउट्स रिलेटेड टू टूडेज क्लास रिया एंड अहमद आज के क्लास में किसी को कोई डाउट ओके धीरज वर्चुअल मेमोरी इज नॉट इन योर सीपीयू नो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी आर गोइंग टू डू मेमोरी जब हम मेमोरी को डिटेल में करेंगे ना तब हम करेंगे ठीक है बट वर्चुअल मेमोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट वो सीपीयू का पार्ट नहीं है नो डाउट ओके कल का रिविजन भी हो गया रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यस ठीक है अब आई एम ऑन लीव मैं छुट्टी पे हूँ कल से फ्रॉम थर्ड टू सेवेंथ सॉरी सिक्स तो जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना हमारा क्लास होगा सेवेंथ को सेवंथ ऑफ मे 2023 ट्वेंटी थ्री ओके अब सेवेंथ मे को हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स तो मेक श्योर रिया अब विदाउट फेल अटेंड करना सुबह की क्लास सात बजे और रात के नौ बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मेमोरी ओके और जिसको भी अगर आगे कंटिन्यू देखना है तो प्लीज आप पेमेंट कर दीजिए सो दैट आईल मेक अ ग्रूप फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव पेड द अमाउंट सो अभी तक ये डेमो क्लासेज चल रहा था इट इज इट वॉज फ्री फॉर एवरी वन बट एनी बडी हु एक्चुअली वॉन्ट्स टू ज्वाइन द पेड क्लासेज और द प्रीमियम क्लासेज वॉट यू कैन डू इज यू कैन पे मी द अमाउंट यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सऐप मी अगर आपको पेमेंट करना है तो आप एक प्लीज एक काम कीजिए जस्ट डू अ फेवर व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर आई गिव यू द नंबर ओके आपको ये नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे ठीक है तो आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे कि भाई आपको एनरोल होना है इस क्लासेस में क्लासेस की सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी और सात तारीख से हम क्लासेस रिज्यूम करेंगे सो so, अहमद अगर आपको कोई डाउट है इट इज फोर ट्रिपल नाइन फॉर पेपर वन एट यूनिट्स धीराज डू डू वन थिंग एन जस्ट व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में आई गिव यू ऑल द डिटेल्स ओके इफ एनीबडी हैज एनी मोर डाउट यू कैन आस्क अहमद आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और एल्स विल रेज्यूम आर क्लासेस फ्रॉम सेवेंथ तो तब तक प्लीज जितना मैंने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करके आना और सैटरडेज को हमारा एम यूज होगा ठीक है कोई डाउट है किसी को क्विकली क्विज क्विज होगा हमारा सैटरडेज को सैटरडेज को हम रखेंगे आज नहीं लूंगी बट सैटरडेज को हम रखेंगे Fine. So, anybody who wants to join with the uh, uh, premium uh, courses or the paid courses, please WhatsApp karna and then we can move forward. Okay? Sure. Done, Dheeraj? Chale. सो एम एंडिंग दिस सेशन आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन प्लीज़ जितना मैंने पढ़ा है उसको एक बार प्लीज़ 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 रिवाइज कीजिए और अहमद और रिया जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है ना वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है आप उसको चेक कर सकते हो मैं ग्रुप पे ना सारे जो चार डेमो अभी वीडियोस दिए ना वो चारों के मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी किसी को रिकैप लेना हो और अगर आप पेड़ कोर्स लेते हो ना तो जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं लाइव उसके आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे तो आप मुझे सिर्फ बता देना मैं आपको रिकॉर्डेड की प्ले पकड़ा दूंगी ताकि आप कभी भी जैसे डाउट हो या आपको रिवाइज करना हो तो वो प्लेलिस्ट ओपन करके आप देख पाओ ठीक है चलो नाउ आई एम एंडिंग द सेशन आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन टेक गुड केयर ऑफ सेल्स लेट्स मीट ऑन सेवेंथ सात तारीख को हम मिलेंगे ठीक है so, सो याद रखना कल छुट्टी है परसों छुट्टी है सैटरडे को भी छुट्टी है सीधा हम कब मिलेंगे संडे को मिलेंगे ओके बाय बाईन टेक केयर धीरज हैव शेयर्ड ऑन द कमेंट सेक्शन प्लीज वॉच okay so i do want to care